मंत्री, राज्य के मुखिया जो यहां पर मौजूद हैं, और इन दोनों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन अपने फाइनल चरण में यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ के उस मूवमेंट का इंतजार जो ये फाइनल टुकड़ी बाहर वेट कर रही है, ये कब अंदर दाखिल होती है। और जैसे ये टुकड़ी अंदर दाखिल होगी, एम्बुलेंसेस एक के बाद एक लगती चली जाएंगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एम्बुलेंसेस की जो पूरी कतार है, एक बार दर्शकों को दिखाएंगे कि एम्बुलेंसेस किस तरीके से खड़ी है। हर एम्बुलेंस रेडी, पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड, जो हेल्थ से जुड़ी हुई लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। यहाँ पे एचआर असिस्टेंट हूँ। क्या आज खाना क्या भेजा गया है सर? जो खाना भेजा गया है वो पैकिंग होके जो एम्बुलेंस है उसके साथ ही जाएगा। मतलब नहीं नहीं नहीं, वो बाहर आ रहे हैं अभी, और जो एम्बुलेंस है जो उनको लेके जाएगी चिनाली सोन, वो उसी के साथ खाना उनके साथ पैक होके जाएगा। आज क्या बनाया सर? आलू गोभी की सब्जी है, रोटी दाल चावल। तो बाहर की जो तैयारियां उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा तो उनके लिए भोजन में क्या तैयार किया गया है, खाने में क्या कुछ तैयार किया गया है, उसे एम्बुलेंस के जरिए खाना भी भेजा जाएगा। क्योंकि यहां से निकलने के बाद उनको फौरन अस्पताल भेजा जाएगा, प्राथमिक उपचार यहीं पर होगा और उसके बाद उन सभी को अस्पताल भेजा जाएगा। उसके बाद की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। सार यही है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो सकता है। बीते 17 दिनों का इंतजार समाप्त हो सकता है, वो इंतजार जो देश के 140 लोग कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, उन प्रार्थनाओं के परिणाम में तब्दील हो जाने का समय आ गया है। वो प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं और किसी भी वक्त वो 41 जिंदगियां इस टनल से बाहर निकल आएंगी जो बीते 17 दिनों से अंधेरे में कैद थी। इंतजार था उनको उजाले में आने का, वो इंतजार समाप्त होने वाला है। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं मजदूर। यह बड़ी खबर इस वक्त की, टनल के बाहर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। अस्थाई हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है। सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मजदूर निकलने वाले हैं। रेस्क्यू टीम से सीएम धामी संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर भी जाकर वहां जो टीम मौजूद है उससे भी संवाद कर रहे हैं। कोशिश और कवायद लगातार ये की जा रही है कि वो पल वो घड़ी आ जाए जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कल शाम 5 बजे से मैनुअल ड्रिलिंग यहां पर शुरू की गई। उन मजदूरों ने यह भरोसा दिलाया, यकीन मानिए 24 घंटे के भीतर हम वो कर दिखाएंगे जिसका इंतजार हम आप सभी को है, और उन्होंने वो करीब करीब कर दिखाया है। शाम 5 बजे से पहले पहले वो तस्वीर सामने आ सकती है जिसका इंतजार हम सभी को है, वो मजदूरों को निकालने की तस्वीर सामने आ सकती है। बारी बारी से सभी मजदूरों को निकाला जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, किसी भी वक्त अंदर जाकर वो पहले मजदूर को बाहर लेकर सकती है। सभी को बारी बारी बाहर लाया जाएगा, उसके लिए एक विशेष प्रकार का स्ट्रेचर भी यहां पर तैयार किया गया है। उसी से एनडीआरएफ के मजदूर उस टनल के भीतर जाएंगे और वहां से बारी बारी से एक एक मजदूर को लेकर बाहर आएंगे। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अभी और कितना समय, क्या कहा जा रहा है, कब वो पहली तस्वीर सामने आ जाएगी जो मन को और दिल को सुकून देगी? बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर में वो तस्वीर सामने आने वाली है। माना ही जा रहा है कि 24 घंटे की जो बात आपने की, मजदूरों ने जो भरोसा जताया था कि 24 घंटे में हम इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा देंगे, वो 5 बजे से पहले पहले ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। अमित, एक बड़ी खबर यहां पर है कि मजदूर जो अंदर सकुशल है, किसी की तबीयत खराब नहीं है, ये सब कुछ जो बाहर तैयारी की गई है ये एहतियातन की गई है कि उस वातावरण से बाहर आने में कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो, क्योंकि अंदर बातचीत हुई है, सबको खाना पहुंचाया गया, फल पहुंचाए गए, पानी, कपड़े, जो जरूरत का सामान पहुंचाया गया। इसलिए अगर वो स्वस्थ होकर और हमारी तरह बाहर निकलते हैं तो यहां पर मालाएं लाई गई हैं, गेंदे के फूल की मालाएं पहनाकर भी उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जीत है, वो अपना जीवन बचाकर बाहर आए हैं। एक काम जो यहां पर राज्य के हित में किया जा रहा था, अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी है, और ये जो एम्बुलेंस खड़ी है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, पुलिस की जो गाड़ी यहां पर खड़ी है, हाईवे पेट्रोलिंग की जो गाड़ी खड़ी है, उससे पीछे एक व्यक्ति अपने हाथ में लगभग 41 मालाएं लेकर पहुंचे हैं और उनका स्वागत, क्योंकि अंदर से वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे तो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह उस मूवमेंट पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अमित ये हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था, जिस तरह की घटना थी, अगर 21 तारीख के आसपास वो वीडियो बाहर नहीं आया होता तो सब कुछ अंदाजे में था।
आज जो 140 करोड़ लोग दुआएं कर रहे हैं वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं कि पहले 9-10 दिन इस बात का ही अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, लेकिन 21 तारीख को जब वीडियो सामने आया तो साफ हो गया कि वो जिंदा है। और जब जिंदा हुए, जिंदा दिखे, तो ये हुआ कि ऑपरेशन को और तेज किया जाए, और जब ऑपरेशन तेज किया गया तो खाने पीने का सामान भेजा गया, ऑक्सीजन के पाइप भेजे गए, रोज बरोज व्यवस्था को और बेहतर किया गया, उनको बचाने की हर कोशिश की गई। क्योंकि अगर इस ऑपरेशन में कुछ बुरा होता, कुछ अनहोनी होती, कोई बुरी खबर आती, तो ये दुनिया में अपने आप में एक बुरी खबर होती। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बावजूद 41 मजदूर 2 किलोमीटर की सुरंग के अंदर से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। 8 राज्यों के मजदूर 24 घंटे बाहर से 24 मजदूरों ने जो अपनी जी जान यहां पर झोंकी है, जो अपना पूरा यहां पर अपनी मेहनत दिखाई है, अपने हुनर को दिखाया है, उसके बाद आज ऑपरेशन आगे बढ़कर उम्मीद यही है कि 5 बातों से आगे बढ़कर जिंदगी की जंग को जीत लेने की एक जिद थी। वो जिद जो बाहर से काम कर रहे मजदूर भी कर रहे थे, रेस्क्यू टीम कर रही थी, वही जिद ठान कर बैठे थे भीतर फंसे हुए 41 मजदूर भी। उनको मालूम था कि समय लगेगा, उनको मालूम था कि वक्त लगेगा, उनको मालूम था कि बाहर बाधाएं हैं, लेकिन उनको ये विश्वास था, ये भरोसा था कि ये जंग हम जीत जाएंगे। वो दृढ़ता उन्होंने भीतर फंसे रहकर दिखाई है। हम सभी बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं दीपांकर, कि 10x10 के कमरे में एक दिन बिता पाना हम सभी के लिए बंधक बनकर बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने तो 17 दिन बिता दिए हैं, तो आप सोचिए कि उनका मनोबल क्या होगा, उनकी दृढ़ता क्या होगी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होगी जिंदगी की जंग को जीत लेने की, कि आज वो जंग कामयाबी में तब्दील हो रही है और उस जंग को वो जीत पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि वो 41 थे, वो एक दूसरे को ताकत दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि यकीन मानिए कि हम सभी लोग बाहर निकलेंगे, हम बाहर का सूरज देखेंगे, और आज वही भरोसा जीत रहा है दीपांकर। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की और दूसरी तस्वीर चिन्नालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। यहां पर भी तैयारियां मुकम्मल हैं, जब मजदूरों को निकाला जाएगा उसके बाद एम्बुलेंस से उनको यहीं पर लाया जाएगा, यहां पर भी पहले से सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। न्यूज 18 की टीम यहां पर भी मौजूद है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि 12 तारीख से हमारी ये कोशिश थी कि यहां से सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में कब कब क्या क्या घट रहा है। टीम बता रही थी कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, पल पल की अपडेट लिया, उनकी तरफ से लगातार एक्शन देखने को मिला, वही कारण है कि 17 दिन बाद आज ये सभी जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकल रही हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया से रेस्क्यू टीम को यहां पर बुलाना हो, एक्सपर्ट को यहां पर बुलाना हो, ओडिशा से एक्सपर्ट्स को यहां पर बुलाना हो, या फिर 6 लोगों की वो टीम जो चंडीगढ़ से यहां पर पहुंचती है और उसके बाद वो एक टीम कहती है कि हम अगर मशीन के उन टुकड़ों को बाहर निकाल लाएंगे जो बाधा बन रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो आप सोचिए कि हर तरफ से जो सामूहिक प्रयास किया गया, वही सामूहिक प्रयास यहां परिणाम में तब्दील हो रहा है। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अपनी बात पूरी करिए आप। हम यही कह रहे हैं कि बीते 17 दिनों से जिंदगी की जो जंग लड़ी जा रही थी, यहाँ से उड़ीसा तक ले जाने के लिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो जगन्नाथ जी को 80 बार धन्यवाद दूंगा, कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा कि 41 आदमी का जान आज बच गया, और मैं उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद दूंगा। और थोड़ी देर पहले मेरे माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला, तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं, वीके सिंह जी मौजूद हैं और सारे सेना अधिकारी मौजूद हैं। और जो बात चल रहा था कि ये जो एम्बुलेंस सब खड़ा हुआ है, इनको लेके सारे श्रमिक को लेकर एक ऑब्जर्वेशन में, हेल्थ ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, हो सकता है 24 घंटा जो समय रखेंगे उसका बाद अपने राज्य सरकार, उत्तराखंड का सरकार सारे कार्यक्रम खत्म करने के बाद फिर हम बंदोबस्त करेंगे कैसे सारे श्रमिक जो उनके रिश्तेदार भी हमारे साथ आए हुए थे सबको लेके कैसे उड़ीसा प्रदेश पहुंचेंगे।
और आप सर एयरलिफ्ट कराने की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आने का टाइम भी हमारे जो श्रमिक के परिवार आए थे मेरे साथ में प्लेन में आए थे और हमारा साथ में ठहरे हुए हैं, और वहाँ से यहाँ से सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद फिर हम लोग तय करेंगे सारे श्रमिक और श्रमिक का रिलेटिव को लेके हमारा राज्य में पहुँचने के लिए। और आपको और जिन परिवारों को आप लाए थे सर, कितने? लगभग 5 परिवार थे सर? हाँ, 5 आदमी फंसे हुए हैं। हाँ जी। तो उनको कितनी खुशी आज हो रही है? आज देखिए, जो एक सपना था, देखिए जो अनसर्टेनिटी आ गया था, 2-3 दिन का पहले का बात है, जब अगर मशीन टूट गया तो फिर सेना के अधिकारी आए, वीके सिंह जी आए, फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का बात हुआ। लेकिन मेरे को कल जब मैं टनल का अंदर में गया, जो सारे श्रमिक भाइयों से बात किया और जो यहाँ पे प्रिपरेशन को देखा, मेरे को विश्वास था और जगन्नाथ जी का पर विश्वास था कि मेरे श्रमिक भाई निकल के आएंगे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रहा था, जो अगर मशीन टूट गया था, तब तक कल दोपहर तक अगर मशीन का सारे जो टूटा हुआ चंत्रांश निकल चुका था और सारे एक्सपर्टाइज आए हुए थे, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का साथ टनल के अंदर भी जाके मैनुअली जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने वाले थे। तो उतना टाइम में हाई टेक्नोलॉजी में सर्वे किया गया, एक्सरे किया गया, मालूम पड़ा कि जो इस ऑब्स्ट्रक्शन का बाद और जो मलबा है उसमें कोई ऐसा धातु नहीं है कि जो और ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकता है। लेकिन बात क्या होता है, जब तक मंजिल नहीं पहुंचते तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद से आज सारे श्रमिक बंधु अपना घर में लौट रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो लगातार वहां से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी है। वो बता रहे हैं कि बीते कई दिनों से वो इंतजार कर रहे थे इस पल का, इस घड़ी का, और आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने वाले हैं। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अपनी बात पूरी करिए आप। बिल्कुल अमित, जो अभी हमने सुना वो उड़ीसा के मंत्री थे जो कल भी यहां पर आए थे, उन्होंने कहा है कि एयरलिफ्ट किया जाएगा। आज झारखंड ने कहा है कि एयरलिफ्ट किया जाएगा। 24 घंटे सरकारें देखेंगी दूसरे राज्यों की कि मजदूरों की किस तरह की स्थिति है, और 24 घंटे बाद जिस राज्य सरकार से जो बन पड़ पाएगा। लेकिन उनकी तैयारी लगभग यही है कि राज्यों की सरकारों की, ओडिशा की हो, पश्चिम बंगाल की हो, झारखंड की हो, असम की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की हो, सभी की तैयारी है कि सारे मजदूर, जो 41 मजदूर, अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। जहां तक आपने बात की थी, सवाल पूछा था अमित, जो सवाल का जवाब बाकी रहा था वो ये कि कैसे 41 मजदूरों ने 2 किलोमीटर के अंधेरे घुप वाले बंद एरिया में कैसे अपना समय निकाला होगा। तो वाकई चुनौतीपूर्ण था। सुबह उनको ब्रेकफास्ट भेजा जाता था, दिन में लंच, शाम में डिनर, लेकिन ये 12 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में जब कुछ नहीं पता था कि वो कैसे है, वो सबसे मुश्किल वक्त था। क्योंकि उस वक्त सरकार को भी इस बात का डर था, एजेंसीज को इस बात का डर था, उनके परिवार वालों को इस बात का डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन 21 तारीख को जो तस्वीर सामने आई, वहां से अनहोनी की सारी संभावनाएं खत्म हुई। जब यह पता लगा कि जिंदगी अंदर है, जो ऑपरेशन जिंदगी हम दिखा रहे हैं वो जिंदगी अभी है, उस जिंदगी के लिए फिर पूरे सब कुछ झोंका गया। अमित, आपने जिस तरीके से बताया, हैदराबाद से हो, इंदौर से हो, बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो, सिर्फ नौसेना को छोड़कर देश की कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो इस ऑपरेशन में न जुड़ी हो। सेना, एयरफोर्स, जो भारी भारी सामान को, भारी मशीनों को जिसने यहां तक पहुंचाया, चिनियालीसौड़ की हवाई पट्टी तक पहुंचाया, जौली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचाया, सेना का ऑपरेशन हम यहां देख रहे हैं, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, मद्रास इंजीनियरिंग के जो जवान यहां पर पहुंचे, इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं देश की बड़ी बड़ी, TSDC हो, SJVNL हो, ONGC हो, कोल इंडिया हो, जिनकी माइनिंग में एक्सपर्टीज है, जो माइनिंग ही करती है देश में, जो तेल निकालने का काम करती है, कोयला निकालने का काम करती है, बड़ी बड़ी खानों से, जिनको खनन में ही अपना एक्सपर्टीज है, लेकिन वो सारी मशीनरी, दुनिया भर की मशीनरी, दुनिया भर के एक्सपर्ट फाइनल मूवमेंट तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। कामयाबी मिली तो 24 मजदूरों के हाथों से, जो अब से कुछ देर में 24 घंटे बाद वो भी बाहर निकलेंगे, और हो सकता है कि उनको भी माला पहनाई जाए, क्योंकि आखिरी में मशीन ने भी काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंसान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 24 मजदूर नहीं है दीपांकर, वो 24 देवदूत हैं। वो 24 देवदूत हैं जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सभी 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका संकल्प बहुत जल्द सिद्धि में तब्दील होने जा रहा है। वो देवदूत हैं,
और तभी तो कहते हैं कि इंसानों ने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने इंसानों को नहीं। जब मशीनें फेल हो गई तो इंसान काम आए और वो उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिस मिशन को मशीनें आगे नहीं बढ़ा पाई। और 21 तारीख वो अहम तारीख थी जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे दीपांकर, जब वो कैमरा भीतर जा पाया, 6 इंच का वो पाइप वहां तक पहुंच पाया जहां पर मजदूर मौजूद हैं, जिसके जरिए पता चल पाया कि हां सभी 41 लोग सुरक्षित हैं, वो 41 जिंदगियां सुरक्षित हैं। उसके बाद उम्मीद की किरण और प्रबल हो गई, उसी पाइप के जरिए उन तक खाना पहुंचाया गया, उन तक वॉकी टॉकी पहुंचाया गया, उन तक मोबाइल पहुंचाया गया और उनको भरोसा दिया गया कि आप सभी लोग अंदर चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, बाहर हम पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, हम आपको निकालेंगे। फिर 22 तारीख को देर शाम एक नाउम्मीदी की खबर सामने आई कि यहां ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया और वो टूटकर भीतर ही फंस गया है। आगे इस टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर चुनौती यह था कि ऑगर मशीन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकालना, लेकिन उस चुनौती का भी यहां पर सामना किया गया और मैनुअल तरीके से उनके पार्ट्स को काट काट कर बाहर निकाला गया। चंडीगढ़ से एक टीम आती है, 6 सदस्यीय वो टीम होती है, वो टीम जीवटता से टनल के भीतर जाती है। आप सोचिए कि कितना चुनौतीपूर्ण था कि वहां पर ऑगर मशीन के पार्ट्स को काट काट कर बाहर निकालना और उसके बाद आगे रास्ता बनाना। फिर 24 लोगों की एक टीम तैयार की जाती है जो अलग अलग शिफ्ट में कल देर शाम 5 बजे से काम शुरू करती है और आज मशीन नहीं देखेंगे तब तक तो हम पर भरोसा नहीं है सर, आंख से देखेंगे और उसके बाद नहीं तो हम जे जानते हैं वो लता हम खुशखबरी करबे करेंगे, खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे नहीं हम देखें। और इतना दिन से जे 17 दिन हो गया, 17 दिन से आज 17 दिन हो गया तो उतना दिन के हमका सब कोई देख रहा है तो मतलब कि हम कुछ तो खुशहाली करेंगे ना। खाली हम वैसे बस के हमारा बेटा खाली निकल जाए वहां से और हम बेटा के खाली मुंह देखो और साथ में घर आ जाए, बस बेटा जैसे आएगा तैसे हम खुश के खुबारी के हम लोग खिलाएंगे। क्या बता रहे लोग अभी नहीं बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं। भीतर फंसे हुए एक मजदूर की मां को सुन रहे थे आप, जिनको ये भरोसा है कि उनका बेटा बाहर निकलेगा और ये भरोसा बीते 17 दिनों से है। उनको मालूम था कि चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन इन चुनौतियों को पार पाते हुए उनका बेटा उन तक पहुंचेगा, उनको ये भरोसा है। अभी उनको पूरी जानकारी नहीं है लेकिन बड़ी बात यही है कि किसी भी वक्त किसी भी घड़ी ये वो बेटा बाहर निकल सकता है जिस बेटे का इंतजार इस मां को है। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम सभी जानते हैं कि हमने अपने जीवन काल में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं देखा था। आगे आने वाले समय में भगवान न करे कि कभी कोई घटना ऐसी घटे, लेकिन अगर घटना घटती है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक सबक बनेगा, एक रिसर्च बनेगा कि किस तरीके से भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। अमित, अभी हमने एक मां की आवाज सुनी जो इंतजार कर रही है अपने बेटे का और यहां उस पल का इंतजार कर रही है जब उसका बेटा बाहर आएगा। हाँ। लेकिन इससे पहले साल 2021 की 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे एक घटना घटी थी रैणी में। वो रैणी में अचानक से एक फ्लैश फ्लड आया था और लगभग 200 लोग आज भी उस टनल के अंदर बंद हैं, मर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई। उनके परिवार सिर्फ और सिर्फ पिछले 2.5 साल से उनको यह पता है कि अब कभी वो जिंदगी बाहर नहीं आएंगी। ये रैणी की घटना इसी उत्तराखंड के चमोली जिले की है जब वहां पर ये फ्लैश फ्लड आया और टनल के वहां भी टनल्स थी, वहां भी पावर प्रोजेक्ट था और उस टनल के अंदर 200 लोग मलबे में समा गए, उनकी जान वहां चली गई। लेकिन इसीलिए जो आपने एक सवाल पूछा कि ये गनीमत है कि यहां भी टनल है लेकिन यहां भी मलबा गिरा, लेकिन यहां गनीमत है कि एक मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है और उसे पता है कि उसका बेटा बाहर आएगा। भाई, चाचा, मामा, पिता, जो भी जिसका रिश्ते में है और जिस भी राज्य का है, उन सबके सामने कम से कम रैणी जैसी घटना नहीं है, रैणी जैसा हादसा नहीं है जहां मलबे ने 200 जिंदगियों को लील लिया और आज तक वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आई और आज भी वो मलबा वहां साफ नहीं हो सका है, 2.5 साल बीत चुका है। तो यहां पर जाहिर तौर पर ये टनलिंग जब भी पूरी दुनिया में होगी, ये रिसर्च होगी, खास तौर पे ये टनल जो सिलक्यारा टनल है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सिलक्यारा टनल से दुनिया भर के एक्सपर्ट सीखेंगे। टनल के जो बड़ी बड़ी एजेंसी जो टनल बनाने का काम करती है, क्या नहीं होना चाहिए। एल्प्स जो यूरोप में पर्वत श्रृंखला है, वो श्रृंखला भी हिमालय से मिलती जुलती है लेकिन वहां टनलिंग में बहुत मजबूत काम होता है। कुछ
एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप काम में सब कुछ अपना झोंकते हैं और जो पैसा टनलिंग के लिए दिया जाता है अगर उसे सही तरीके से पूरे पैसे को पूरी ईमानदारी के साथ लगाया जाए तो यूरोप के एल्प्स में ऐसी बहुत सारी टनल है जो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में वहां बनी है लेकिन वहां कभी फेलियर नहीं रहा। उत्तराखंड का हिमालय भी लगभग 4.5 करोड़ साल पहले की यह हिमालय है और 4.5 करोड़ साल पुराने ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं लेकिन यहां पर जो फेलियर ये हुआ है ये फेलियर उत्तराखंड के लिए भविष्य में एक चैलेंज रहेगा कि आप जो प्रोजेक्ट अब टिहरी में करने वाले हैं टिहरी देहरादून के बीच या मसूरी में जो करने वाले हैं, रेलवे में अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जो ऋषिकेश खंडेरी रेल लाइन बन रही है लेकिन जो भी भविष्य में आप प्रोजेक्ट करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं में जम्मू कश्मीर में करें हिमाचल में करें उत्तराखंड में करें नॉर्थ ईस्ट में करें या दुनिया के वो देश जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पहाड़ी देश हैं या पहाड़ी जिले हैं या पहाड़ी राज्य हैं वहां पर ये सिलक्यारा अपने आप में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पूरा सब्जेक्ट होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमित सही बात है, हर घटना अपने आप में एक सबक देती है, हम पर यह निर्भर करता है कि हम उससे सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन इस घटना ने कम से कम हमें यह सीख दे दी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है भविष्य के लिए। फिलहाल वर्तमान यह है कि 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद चल रही है और किसी भी वक्त वो कवायद अंतिम परिणाम तक पहुंच सकती है और उसके बाद हम कह पाएंगे कि जीत गई जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी कामयाब रहा और सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, वो घड़ी भी आएगी जब हम ये कह पाएंगे लेकिन फिलहाल का बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी यही है कि एनडीआरएफ के जवान वहां पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी वक्त और टनल के भीतर जाकर उन मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर देंगे। उससे पहले के जो सारे यहां पर प्रोटोकॉल हैं वो अपनाए जा रहे हैं, वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। उसी क्रम में बाहर एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है ताकि जब मजदूरों को निकाला जाए उनको वहां किसी प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ती है तो प्राथमिक उपचार दिया जाए। उस प्राथमिक उपचार के बाद यहां एंबुलेंस तैनात की गई है, तैयार खड़ी है, 41 एंबुलेंस यहां पर तैयार है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा मजदूरों के परिजन यहां पर भी मौजूद हैं ताकि उस एम्बुलेंस के जरिए उनको भी वहां से रवाना किया जा सके क्योंकि 17 दिन बाद जब वो बाहर निकलेंगे और सामने अपने घर वालों को पाएंगे देख पाएंगे तो उससे ज्यादा खुशी का पल न उनके लिए कुछ होगा न घर वालों के लिए कुछ होगा जब वो अपने लोगों को अपने पास पाएंगे। और उसके बाद वहां से चिन्नाली सौड़ के लिए एम्बुलेंस रवाना की जाएगी, जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चिन्नाली सौड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहां पर भी सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं ताकि मजदूरों को यहां पर लाया जाए और उनको उपचार की जरूरत पड़े तो उनको उपचार दिया जा सके। लेकिन हर तरफ से दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जब वो बाहर निकले वो सकुशल निकले, वो अपने चेहरे पर एक हंसी या खुशी लेकर निकले, एक प्रसन्नता हो उनके चेहरे पर, ये हर कोई उम्मीद कर रहा है दुआ कर रहा है और प्रार्थनाओं का ही असर है, प्रार्थनाओं का ही असर है कि ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है और किसी भी वक्त 41 जिंदगियां जिंदगी की जंग को जीत सकती हैं। एक बड़ी जानकारी वो आपको बता देते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीएम धामी से पल पल की वो अपडेट ले रहे हैं, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा फंसे मजदूरों से बात करते हुए नजर आए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। पीएम के कहने पर वीके सिंह ने ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम वहां पर बुलाई गई, रेस्क्यू के लिए हर जरूरी संसाधन वहां पर मुहैया करवाए गए, देश के 8 राज्यों से जरूरी मशीनें मंगवाई गई और देश भर की 10 एजेंसियों को बचाव कार्य में लगाया गया, सेना और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के निर्देश दिए गए, मजदूरों के परिवारों के लिए जरूरी इंतजाम करवाए जाएं, इसके निर्देश भी पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। कुल मिलाकर पीएम मोदी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और कल हम सब ने सुना जब वो तेलंगाना में रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे वो 41 श्रमिक भीतर फंसे हुए हैं लेकिन उनको निकालने की कवायद चल रही है और हम अपना सब कुछ झोंक दे रहे हैं उनको निकालने के लिए और हमारा पूरा प्रयास है कि हम उनको सुरक्षित बाहर निकाल पाएं। और ये प्रयास किस तरीके से किया गया पीएम मोदी की तरफ से उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तो वो सीएम धामी से लगातार संपर्क में रहे, उनसे पल पल की अपडेट लेते रहे, इसके अलावा पीएम ने अपने प्रधान सचिव पीके मिश्रा को मौके पर भेजा, कहा कि जाके आप ग्राउंड जीरो पर जो हालात है उसकी समीक्षा करिए, उसकी जानकारी दीजिए। पीके मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, मजदूरों से बातचीत करते हैं, यहां पर उनसे संवाद करते हैं, इसके अलावा रेस्क्यू टीम में जुटे हुए तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हैं, रेस्क्यू कर्मियों से बातचीत करते हैं और पीएम को उसकी जानकारी देते हैं। पीएम के कहने पर ही वीके सिंह ने ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, वो भी वहां पर मौजूद रहे, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम भी वहां पर बुलाई गई, रेस्क्यू के लिए हर जरूरी संसाधन भी वहां पर मुहैया कराए गए, देश के 8 राज्यों से जरूरी मशीनें भी मंगवाई गई और ये सब कुछ पीएम के निर्देश के बाद लगातार वहां पर किया जाता रहा। बड़ी खबर यह कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं, हलचल वहां पर तेज हो गई है, टनल के अंदर इस वक्त हलचल तेज हो गई है,
सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के भीतर ही मौजूद हैं। इस वक्त वहां पर हलचल बढ़ी हुई है, मतलब यह है कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं। पहले मजदूर को निकालने की यहां पर पहली तस्वीर सामने आ सकती है। ये बीते 17 दिनों का इंतजार है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीते 17 दिनों में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। 12 नवंबर को जब यह हादसा होता है उसके बाद कैसे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है वो आप पहली तस्वीर में देखिए। उसके बाद 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, हर दिन कुछ न कुछ यहां पर घटा है, हर दिन रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। और इसी तरीके से फिर 21 नवंबर वो तारीख, ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर जो आप देखिए 10वां दिन है, 21 तारीख को वो पहली तस्वीर, पहली झलक सामने आई कैमरे के जरिए, जब ये पता चला कि हां भीतर फंसे हुए सारे मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे बात हो पाई। उसके बाद ये सब संभव हो पाया 6 इंच के एक पाइप के जरिए, जो वहां पर पाइप डाला गया उसी के जरिए कैमरा डाला गया और मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई, ये जो आप देख पा रहे हैं। देखिए वो भीतर से मजदूर झांक रहा है और ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी, उम्मीद की बहुत बड़ी किरण थी कि जो ऑपरेशन बाहर से चलाया जा रहा है वो जिनके लिए चलाया जा रहा है वो भीतर सुरक्षित हैं। उसके बाद उसी पाइप के जरिए उन तक खाना पहुंचाया गया, वॉकी टॉकी पहुंचाया गया, मोबाइल पहुंचाया गया जिसके जरिए उनसे बातचीत की गई। 22 नवंबर को एक बड़ी बाधा आ जाती है, बड़ी बाधा ये थी कि अगर मशीन का आगे का ब्लेड टूट जाता है और टूट कर आगे सरियों के जाल में ही फंस जाता है, अब सवाल ये था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों की एक टीम यहां पर बुलाई गई, एक हाई लेवल मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मैनुअल तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और 23 नवंबर से कवायद शुरू की गई।